Good morning all of you. I am Sambhu sir, your math teacher. Welcome back. Today we are going to discuss exercise 5.3, whose question 10. Question 10 we have. Given m equals to minus 2 and n equals to 6, evaluate m cube plus 3m square n plus 3mn square plus n cube. भाई हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एम क्यूब प्लस 3m स्क्वायर n प्लस 3mn स्क्वायर प्लस n क्यूब है ना, हमें वैल्यू गिवन है तो हम देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एम क्यूब प्लस 3m स्क्वायर n प्लस 3mn स्क्वायर प्लस n क्यूब और यहाँ हमें वैल्यूज गिवन है m इक्वल्स टू माइनस 2 और n equals to 6. आई थिंक ये वैल्यूज है ना। देखिए तो हम फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं, m का वैल्यू पुट करते हैं माइनस 2 फिर 3, m का वैल्यू है हमारे पास माइनस 2 का होल रेस टू द पावर है ना, और इनटू में क्या चल रहा है 6 क्योंकि n है, प्लस 3 m का वैल्यू माइनस 2, n का वैल्यू क्या चल रहा है 6, 6 रेस टू पावर 2, n का वैल्यू क्या चल रहा है 6 की पावर 3, ये 6 रेस टू दी पावर 3। अब देखो माइनस रेस टू दी पावर 3 है तो माइनस रेस टू दी पावर 3 है तो माइनस ही आएगा और 2 टू जा, अब इसको और सॉल्व करना है थोड़ा डायरेक्ट भी चल सकते हैं, माइनस 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। हाँ आफ्टर में देखिए 3 तो 7 इज माइनस ये तो 4 हो जाएगा, ये 6 है, फिर यहाँ देखिए ये माइनस आएगा 3 टू जा 6 और ये क्या आएगा 6 6 जा 36, और 6 का क्यूब जो होता है ना बेटा 6 6 जा तो 36 है, इनटू 6 करते हैं तो ये आता है आपका 216 है ना। अब देखिए माइनस 8 माइनस 8 12 देखो 3 टू जा 12 12 6 जा 72 आफ्टर में ये क्या होगा, यहां पर 6 से इनटू करें तो 6 6 जा 36 कैरी ओवर 3 6 3 जा 18 प्लस 3 21 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ माइनस प्लस माइनस बट वो माइनस बट साइन टेकर ग्रेटर वैल्यू 72 माइनस मीन्स ये होगा 64, क्या होगा ये 64। तो इसका जो इवैल्यूएट किया हमने वो आंसर हमें क्या मिल रहा है 64, ठीक है क्या आया 64। अब देखिए जरा इसमें वही कॉन्सेप्ट कैसे हम यूज़ कर रहे हैं कि m और n का वैल्यू पुट कर रहे हैं, m और n का वैल्यू पुट करेंगे तो m और n का वैल्यू पुट करना है, m और n का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो देखिए m का वैल्यू माइनस 2 था, n का वैल्यू 6 है, n का वैल्यू 6 है और हमने देखा कि माइनस 2 टू रेस टू द पावर 3 है तो मीन्स माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 तो 3 टाइम्स होगा तो ऑब्वियसली माइनस रेस टू द पावर ऑड नंबर देन वी गेट ऑड नंबर तो ऑड नंबर मीन्स माइनस ही आएगा माइनस रेस टू द पावर ऑड नंबर तो देखिए तो ये माइनस हुआ 2 टू जा 4 4 टू जा 8 फिर 3 सेम एडिस रखा माइनस 2 रेस टू द पावर 2 मीन्स 4 हुआ 6 सेम एडिस 3 टू जा 3 टू जा माइनस 6 हो गया है और 6 6 जा 36 और 6 रेस टू द पावर 3 मीन 6 6 जा 36 36 इंटू 6 देन वी गेट 216 आफ्टर देन ये तो ऐड हुआ था 3 4 जा मीन्स 3 4 जा 12 12 6 जा 24
12 6 का 72 नॉट 24, फिर 6 6 का 36, 3 कैरी ओवर, 6 3 का 18 प्लस 21, ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, माइनस 8 प्लस 72, और मैं इस स्टेटस को चला देता हूँ, माइनस 8 प्लस 72 देन 164 योर आंसर। क्लियर? चले अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट मींस इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11, दैट वन नहीं अभी है ना, लास्ट एक्सरसाइज भी है इसमें, हमें लगा कि शायद ख़त्म होगी, है ना। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए जाएगा, सिंगल वेरिएबल का है और सिंगल वेरिएबल से रिलेटेड है, वहाँ भी सिर्फ वैल्यू आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करना है, और वैल्यू पुट करने के बाद सिर्फ सिंगल वेरिएबल का वैल्यू पुट करना है, तो आप लोग आई होप कि कर लेंगे, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 10.3, क्वेश्चन नंबर 11, तो ये आपका होमवर्क होगा टोटल। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।